आज हम बात करते हैं मेजरिंग टेप की कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिनको जानने के बाद आप मेजरिंग टेप्स के एक्सपर्ट कहलाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं हम अपने इस मेजरिंग टेप को। तो मेरे पास ये स्टैनले का 5 मीटर का मेजरिंग टेप है। इसमें बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस होती है। जब भी आप इसको ओपन करेंगे, अधिकतर मेजरिंग टेप में यहाँ पे साइज लिखा होता है। तो अगर आपके मेजरिंग टेप के ऊपर ये स्टिकर नहीं है तो पूरा निकालने की आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप इसको थोड़ा सा निकाल के और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5 मीटर या 7.5 मीटर जो भी होगा इस पे लिखा होगा। मेजरिंग टेप जो होता है ऑलमोस्ट हर किसी प्रोफेशन में यूज आता है, चाहे आप आर्किटेक्चर में है, चाहे आप प्लम्बिंग करते हैं, कारपेंट्री करते हैं, हर काम में मेजरिंग टेप आपको चाहिए होता है। अब बात करते हैं इस ब्लेड की। तो मेजरिंग टेप में जो ब्लेड होती है ये कर्व्ड होती है हमेशा। ये कर्व इसलिए होती है कि जब आप इस मेजरिंग टेप से किसी भी चीज को मेजर करते हैं उसके लिए आप इसको ओपन करते हैं तो ये इजीली बेंड नहीं होता। एक चीज आपने नोट करी होगी, ये इस तरीके से बेंड नहीं होता बट इस तरीके से बहुत इजीली बेंड हो जाता है। इसका मेन रीजन यही है कि ये स्ट्रांग रहे ताकि काम करने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। स्टैनले के मेजरिंग टेप की एक खास बात होती है कि यहाँ पे भी हम फिंगर से इसको स्टॉप कर सकते हैं। अगर हमें बार बार इस बटन का यूज नहीं करना तो हम इस तरीके से इसको होल्ड कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे 11 ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिनको जानने के बाद आप मेजरिंग टेप को यूज करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट ट्रिक से। जब भी हम कोई नया मेजरिंग टेप परचेज करते हैं तो हम इस हुक की मूवमेंट को देख के ये सोचते हैं कि ये मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि ये मेजरिंग टेप गलत है। बट ऐसा नहीं होता। ये जो हुक मूव करता है वो कंपनी के द्वारा ही डिजाइन किया होता है। क्योंकि आप एक चीज को समझिए, अगर हम किसी वुड का अंदर से नापते हैं तो उसमें ये जो हुक है इसकी जो विड्थ है 1 mm के लगभग वो बाहर निकल जाती है और हमें जो साइज आता है वो आता है सिर्फ इस टेप का। और अगर हम इसको अंदर से नापते हैं तो हमें इस हुक का भी साइज इसमें आ जाता है। तो इसी एक्यूरेसी के लिए इस हुक में ये प्ले होता है, 1 mm का डिफरेंस होता है कि जब आप अंदर या बाहर से मेजर करेंगे आपको मेजरमेंट हमेशा एक ही आएगा। तो अब बात करते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की। जब भी आपको कोई मार्किंग करनी हो तो आप इस तरह से पेंसिल को रख के, और अगर आपने सपोज 4 इंचेस पे मार्किंग करनी है इस वुडन के पीस पे, तो आप यहाँ पे हुक को पकड़ के और पेंसिल को यहाँ पे रख के और इस जब टेप को आप साथ साथ चलाएंगे तो ये मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कितना स्ट्रेट लाइन हुआ है। अगर यहाँ पे आपके पास स्केल नहीं भी है तब भी आप एक स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं। तो आप देखते हैं हमारी तीसरी ट्रिक को। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास ये पेंसिल नहीं अवेलेबल होती है, उस केस में आप इस हुक को एज ए गाइड भी यूज कर सकते हैं। आप इस हुक से मार्किंग भी कर सकते हैं। तो वो हम सीखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एक मार्क करना है तो आप इस हुक को थोड़ा सा टेढ़ा करके और उसके बाद अगर इस तरीके से चलाएंगे तो आप एक बहुत अच्छी मार्किंग कर पाएंगे। तो आप इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। तो आप डिस्कस करते हैं अपनी चौथी ट्रिक को। आप जब भी मेजर करते हैं, सपोज आपने ये वाला पीस मेजर किया तो आप हमेशा उसी पीस पे अपना मेजरिंग साइज लिख के, और बाद में जब आप कटिंग करने के लिए इसको लेके जाते हैं तो गलती से अगर यहाँ पे कट लग गया तो ये मेजरिंग जो है ये आपको वापस मिलती नहीं है। तो इससे अच्छा एक ऑप्शन है कि आप मास्किंग टेप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहे कारपेंटर हो या प्लम्बर आपके पास मास्किंग टेप हमेशा होता है। तो आप मास्किंग टेप को इस तरह मेजरिंग टेप के ऊपर चिपका सकते हैं जब भी आप मेजरिंग करने जाएं, और उसके बाद आप अपने डायमेंशंस को इस मास्किंग टेप पे लिख सकते हैं। और जब भी आपको, और आप इसको जहां पे भी यूज करना है वहां पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। मास्किंग टेप के यूजेस के ऊपर हमने एक बहुत ही बड़ी वीडियो बनाई हुई है जिसमें लगभग 23 टिप्स को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखें। मेजरिंग टेप में हमेशा ये क्लिप लगी होती है, बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि ये क्लिप किस लिए लगी है। तो इस क्लिप का मैं आपको बताता हूँ कि ये क्लिप किस लिए यूज आती है। इस क्लिप से आप अपने मेजरिंग टेप को यहाँ पे लगा सकते हैं और अपने बेल्ट में भी आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर टूल ट्रॉलीज वगैरह है तो उसपे भी आप इसको माउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी 6th ट्रिक के बारे में।
कभी कभी आपको राउंड मेजरमेंट करना पड़ता है जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं होता ना ही एक्यूरेट होता है। उसके लिए हम एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं। हमें इस तरीके से जितना हमें लग रहा है कि ये 10 इंच का होना चाहिए इसका राउंड, हम इसको ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम इस तरीके से कोई थ्रेड लेके हम इसको मेजर कर लेंगे और उसके बाद इस जो ये थ्रेड है इसको हम अपने मेजरिंग टेप पे लगा के इसको मेजर कर लेंगे। तो इसका जो एक्यूरेट है ये 10.5 इंच का है। अब बात करते हैं अपनी 7th ट्रिक के बारे में। इस ट्रिक के लिए हम यूज करेंगे ये फ्रीमैन्स का मेजरिंग टेप, क्योंकि इस ट्रिक में हम बताएंगे आपको कि इस हुक के जो अंदर ये जो होल बना हुआ है ये किस रीजन के लिए बना होता है। कभी कभी हमें एक लॉन्ग बोर्ड पर अकेले ही मेजरमेंट करनी होती है और उसके लिए हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं होता कि इस हुक को हम किसी को दे दें। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कील या फिर स्क्रू को लगा देते हैं और इस हुक को उसमें फंसा के उसके बाद हम अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट में जरूर बताएं। तो अब बात करते हैं अपनी 8th ट्रिक के बारे में। किसी बोर्ड पे सर्कल ड्रॉ करना है या सर्कल में काटना है आपको तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसका सॉल्यूशन है आपको अगर सपोज 3 इंच का सर्कल करना है, हम स्टेप मेजर को 3 इंच पे सेट कर लेंगे और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से हम अपना सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सर्कल ड्रॉ किया है। और इसी तरह अगर हमें छोटा सर्कल ड्रॉ करना है तो वो भी हम करके देखते हैं। तो अब बात करते हैं 9th ट्रिक के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है आप सीढ़ी पे चढ़े होते हैं और आपके स्क्रूज या फिर बोल्ट्स या इस तरह की बिट्स नीचे गिर जाती है और उनको उठाने के लिए आपको बार बार नीचे ऊपर करना पड़ता है। उसकी बजाय आप इस तरह से मैग्नेट लगा सकते हैं। हमारे पास अभी ये बड़ा मैग्नेट है बट आप छोटा मैग्नेट इस पे लगा सकते हैं और उसको लगा के आप इन आइटम्स को बहुत इजीली उठा सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी 10th ट्रिक के बारे में। तो जब कभी भी आपको दो पीसेस के बीच में मेजरिंग करनी होती है, मतलब इस पीस से और इस पीस के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो आप इस तरीके से टेप को टेढ़ा करके और मेजर करते हैं। जनरली ये एक्यूरेट नहीं होता, इसकी बजाय आप इस टेप को इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस हुआ है वो लगभग 257 mm हो गया है और अब हम देखते हैं हर मेजरिंग टेप के पीछे इसका जो ये वाला साइज है ये लिखा होता है। अगर हम इस पे देखें टेप का जो विड्थ है वो है 84.5 mm, तो अब जो हमने मेजर किया था 257 mm उसमें हम 84.5 mm को और जोड़ देंगे और इस तरह से इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो निकल जाएगी। तो ये बहुत ही इजी तरीका है बजाय कि हम इसको इस तरीके से करें, इससे एक्यूरेसी कम आएगी। इस टेक्निक से आप मेजरिंग को एक्यूरेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपनी लास्ट ट्रिक की। मैंने ये देखा है कि मेजरिंग टेप बहुत बार आपके और आपके कलीग के हमेशा सेम हो जाता है, तो होता क्या है कि वो हमेशा कहते हैं कि ये मेरा है या ये तेरा है, ये प्रॉब्लम होती है। इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि आप मेजरिंग टेप को पूरा ओपन कर लीजिए। यहाँ पे पूरा ओपन हो गया है, इस जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ टेक बिहाइंड टूल्स। और अब अगर मैं इसको लॉक कर लेता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे मेजरिंग टेप पे इस तरह का नाम लिखा हुआ है। कभी भी अगर ये गुम होता है तो मैं इसको ढूंढ सकता हूँ। तो ये थे 12 सजेशंस जो आपके कभी ना कभी इस प्रोफेशन में जरूर काम आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इनमें से कोई एक भी सजेशन आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।